वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। एंड हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का, जिसके लिए हमारे को 82 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है अमर कोहली के, तो उनने बात करी थी घातक भाई के बारे में। जो की उनसे भी काफ़ी लोग ये चीज़ पूछ रहे थे कि जो घातक भाई हैं वो टीम के साथ स्काई पे क्यों नहीं गए, तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बारे में जो भी वो क्रॉन्टन ने बोल दिया है, अभी जब घातक भाई लाइव आए जाएंगे तो घातक बोल देगा क्या करके। Please play in moderation. घातक क्यों नहीं गया टीम के साथ? घातक भाई थोड़ी अभी कोच हैं, बड़े भाई। इसके बाद जो जूसी है उन्होंने अपनी स्ट्रीम पे हिंट्स वगैरह दिए थे कि 8bit को एक न्यू प्लेयर ज्वाइन करने वाला है, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ भी बताई थी कि वो बहुत ही अच्छी टीम का प्लेयर है, वो यूई में नहीं खेल रहा है। साथ में उनकी जो प्रीवियस ऑर्ग है उसकी वाइट जर्सी थी, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख लो। बहुत पुरानी ऑर्ग है वो, मतलब और बहुत पुरानी जिसका प्लेयर है, हमको मजबूरी में किसी और को खिलाना पड़ रहा है, बट वो भी अच्छा प्लेयर है जिसको हम खिला रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। जैजी कंफर्म नहीं, जैजी नहीं है। फिफ्थ प्लेयर रखोगे टीम में? नो, मे बी, मतलब अगर हम फिफ्थ प्लेयर रखेंगे तो वो प्रॉपर फिफ्थ ही होगा, उसको टीम में आने से पहले मैं क्लियर करूंगा कि भाई तू फिफ्थ है, जब अगर अगर का शूट होता है कुछ होता है तब तू खेलेगा, अभी कोई और जब अवेलेबल होता है भाई बता दो कौन जाएगा लेवल पे। हिंट दे के जा रहा हूँ यार, मैं हिंट क्या दूँ समझ ही नहीं आ रहा। प्रीवियस टीम वाइट जर्सी, बस इससे अगर हिंट नहीं दे सकते तो अरे पता लग जाएगा कितने दिन बाकी है यार, चिल मारो ना भाई। अच्छा प्लेयर है बट इतना हमारे साथ अच्छा जमेगा उसका जितना मुझे लगता है, अभी तक हमने खेला नहीं है, बट हाँ जो उन्होंने चाहिए वो फुलफिल करेगा, एक अच्छा सॉल्टर है बहुत ज़्यादा अपनी टीम के लिए भी और ये भी हमारे साथ। ग्लैडिएटर्स तो लैन खेल रही है ना यार, ब्रो उसका हम प्लेयर कैसे ले लेंगे? अल्ट्रॉन भी नहीं है, अच्छी टीम का है वो काफी, और ऑब्वियसली जो वो टीम यूई में नहीं है तो इसलिए हम खिला रहे हैं तो वो टीम का प्लेयर है, बाकी वैसे वो टीम अच्छी है काफी। इसके बाद उन्होंने बात करी थी रेगल्टॉस एंड स्नेक्स के बारे में कि वो हमारे को लैन पे खेलते हुए दिखाई देंगे यूई के लाइनअप में या फिर स्काई के लाइनअप में, तो इस पे उन्होंने क्या बोला फू आप लोग का लाइनअप? यूई का लाइनअप मैं यूई के लैन पे ही रिवील करूंगा, मतलब वैसे तो हम चाहते हैं कि रेगा खेले बट उसका आई गेस कोई शूट है और वो शायद डे 2 पे आ भी जाएगा, उसने मतलब ऐसा बोला है कि वो डे 2 पे आ जाएगा, बाकी देखते हैं। लेते रहो भाई नाम, लेते रहो, बताएगा ही नहीं मैं। अरे ज्यादा बढ़िया लगेगा ना तब देखने में, बट अगर रेगा आ जाता है तो रेगा ही खेलने वाला है, क्योंकि हम लोग रेगा के साथ ही खेलने वाले हैं अब। एंड इसके बाद जो गॉड्स रेन के प्लेयर है वो हमारे को डिसअपॉइंटेड देखने को मिले थे कुछ हाईलाइट चैनल से, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली बोला था कि जो प्लेयर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसको काफ़ी लोगों ने ऐसा समझ लिया था कि वो गॉड लाइक के अगेंस्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दी है, एंड इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने हाईलाइट्स भी डाल दी थी, तो इसके ऊपर वो डिसअपॉइंटेड देखने को मिले। एंड यहाँ पे उन्होंने बात करी गॉड लाइक के साथ रिलेशन के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे एक और चीज़ में बताना चाहता हूँ, जो भी थोड़े बहुत हाईलाइट चैनल से वो कुछ ऐसे बेकार लाइक थंबनेल वगैरह के साथ कुछ ऐसा हमने बोला ना हो, कुछ अलग ही मीनिंग उसका पूरा ना जान के ऐसे कुछ भी मत डाला करो, क्योंकि मैं देखा हाँ, जो अभी रिसेंट जो हाईलाइट चैनल बोला था हाँ उसमें ऐसा कुछ था नहीं, बट तुम लोग कुछ भी अलग चेंज कर देते हो, ब्लेस का भी मैंने देखा था, हम सब बोलते कुछ और तुम लोग समझते कुछ और डाल देते हो, तो ये सब ना ये सब मत क्या करो। और भाई जो ब्लीज ने बोला था कि एक बार मत आओ कभी अचानक से मत आओ बोल क्या हो, वो तुम जिस टीम के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में नहीं बोला था, गॉड लाइक के बारे में, वो गॉड लाइक के बारे में था ही ना, वो उस लैन के टाइम जो हुआ था हमारे साथ उस टाइम की उस बेस पे वो शूट हुआ था, लैन के टाइम पे आना है तो ऐसा ना बोल के आओ ऐसे बताओ,
तो वो उसने गॉडलेक के बारे में नहीं बोला था, बट मैंने देखा बहुत सारे हाइलाइट्स हैं जो बोल रहे थे वो एकदम प्लेस को ये सब वैसा नहीं है भाई वो। तो मत करो गाइस, मैंने भी देखा मेरा भी अलग ऐसा कुछ नहीं, हम हेट नहीं करते भाई, भाई भाई जैसे है तुम लोग ही हेट को प्रमोट कर रहे हो। एंड इसके बाद जो बात आ रही है, उनसे किसी ने पूछा था कि जो मैं अभी है वो हमारे को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं ब्लाइंड को दोबारा, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, ने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। पिछ और नालंजु பேர் பிச்சி எல்லாம் வெரி பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க மாயா ஜாயினிங் இல்ல இல்ல we are just trying still இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆல கன்ஃபார்ம் ஆச்சுனா சொல்றேன் மாயா மைட் ஜாயின் bro இ வெரி எஃபெக்டிவ் செம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தான் டீமுக்கு நான் கூட உட்கார்ந்து பார்த்தேன் என்ன நாலேஜ் மாயாவிக்கு எவ்வாடி கூட இருந்து பார்த்தேன் நிறைய கலாச்சாரம் இருக்கு நானே உன ஓட்டி இருக்கேன்னு கூட உட்காந்து பாக்குறப்ப தான் தெரிஞ்சு எவ்வளவு நாலேஜ் நாலேஜபிள் பர்சனா இருக்காங்க அப்படின்றது ஸோ யூனோ அப்போதான் நான் ஒன்று முடிவு பண்ணேன் யூனோ வித்தவுட் நோயிங் எனி ஒன் இன் பர்சன் வார்த்தையோ இதையோ நம்ம விடக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் बाकी कुछ हमसे तो गिले शिकवे नहीं है उसके तो इसलिए वो चला गया उसको सही लगा तो वो चला गया। एंड इसके बाद जो कनी गेमिंग है उनसे काफी लोग एक चीज पूछ रहे थे कि वो हाइड्रा को दोबारा से ज्वाइन करने वाली है, तो इसके ऊपर भी उन्होंने रिप्लाई करा ने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। वी ज्वाइन हाइड्रा, देखो यार अभी फिलहाल ऐसा मेरा कोई है नहीं यार, कांटेक्ट ही नहीं है मेरे को कुछ चीज यू नो, अभी आई थिंक देयर विजन एंड एवरीथिंग हैज आल्सो यू नो चेंज्ड, आगे बढ़ चुके हैं एंड आई एम आल्सो सीइंग दैट हाइड्रा का फाइनली एक लाइनअप आया व्हिच इज amazing like congratulations. I know the updates even though I don't have much you know connection, but I still see videos and stuff aate rehte, so I know Hydra ka ek bahut acha lineup aaya, they're performing really good in you know T2 or semi T1 jab tak mujhe pata hai mujhe pata nahi hai। एंड इसके बाद जो मॉडल है उनसे काफी लोग बोल रहे थे एक टेनिस टीम को स्पॉन्सर करो, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा जहाँ पे उन्होंने बताया था उनके पास काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई थी, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। एक टेनिस क्रिकेट टीम खरीद लो मुंबई में, उसमें भी पैसा है भाई, ऐसा नहीं होता। मेरे पास था अपॉर्चुनिटी कुछ टीम्स खरीदने का बट मैंने नहीं खरीदा बिकॉज Because मैं बहुत ज़्यादा secured investment करता हूँ। I know this is the right age to take risks, लेकिन बस मेरे में है वो। And आप लोगों को भी पता ही है कि जो Joy Boy है उन्होंने join करा था God's Rain को as a coach, but वो हमारे को अब देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर जो Robin है उन्होंने update दिया, उन्होंने बताया था कि क्यों उन्होंने लीव कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। मेन वो था कि जॉय बॉय भी अच्छा कोच करता था, पर वो था कि गेम में कन्वर्सेशन जो हमारी होती थी हम हिंदी में कंफर्टेबल थे और उसको हिंदी में कॉम्स हो तो उसको एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं पता चलती थी, तो फिर जॉय बॉय लेफ्ट किया। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।